खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ उसके नए लक्षण भी सामने आते जा रहे हैं। अब तक अमूमन बुखार, सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी और थकावट जैसे शारीरिक बदलावों को ही कोरोना वायरस का लक्षण माना जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण पर काम कर रही अमेरिका की मेडिकल संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नए 3 शारीरिक लक्षणों को भी कोरोना वायरस का संभावित संकेत माना है। कोरोना संक्रमण के ये 3 नए लक्षण हैं, नाक बहना, उबकाई आना और डायरिया। इनको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाक बहने की। CDC के मुताबिक पहले नाक बहने का ये मतलब नहीं था कि पीड़ित व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाक लगातार बह रही है और वो अंदर से बेचैनी जैसे एहसास की शिकायत कर रहा है तो बुखार नहीं होने पर भी ऐसे व्यक्ति को कोरोना की जाँच करानी चाहिए। संभव है कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अगला है उबकाई आना। अमेरिकी संस्था CDC ने कोरोना का दूसरा नया लक्षण उबकाई आने को बताया है। CDC के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को बार बार असामान्य रूप से उबकाई आने लगे तो ये खतरे का सिग्नल है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। हालांकि उबकाई की अन्य वजह भी हो सकती हैं, लेकिन इस मौसम में इसे नज़रअंदाज ना करें और बार बार ऐसा होने पर आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। बात करते हैं डायरिया की। कोरोना का तीसरा नया लक्षण है डायरिया। डॉक्टर ने पहले भी ये माना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों में डायरिया जैसे या इससे मिलते जुलते लक्षण होते हैं। अब CDC ने ये मान लिया है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों में डायरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। इन 3 लक्षणों को जोड़ने के बाद CDC की लिस्ट में कोरोना संक्रमण के कुल 11 लक्षण हो गए हैं। इससे पहले शरीर में होने वाले इन 8 बदलावों को कोरोना का संभावित संकेत माना जाता था। अब ये 8 लक्षण कौन से हैं जरा देख लीजिए। बुखार और अधिक ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, थकान, शरीर में दर्द, सर दर्द, स्वाद नहीं मिलना और गले में दर्द और खराश। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अब कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अमेरिका में ही सिर्फ 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में भारत 4थे नंबर पर है। ऐसे में आप लोगों को अगर ये कोई भी लक्षण जो हमने ऊपर बताए हैं ये लग रहे हैं तो तत्काल कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि जांच कराने में कोई नुकसान और खर्च नहीं है। खबर स्टेशन में आज इतना ही। अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो आप जरूर अपने कोरोना की जाँच कराएं।